आदिवासियों का मसला जो है वो पानी है, जंगल है, जमीन है, और इसी की वो पूजा करते हैं। नैसर्गिक तौर से अपनी जिंदगी गुजारते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हमारा अगर आप लोगों ने आदिवासियों का अगर जुलूस दिखा हो, उनके जो बयान होते हैं, उनका जो स्लोगन होता है कि जल जंगल जमीन हमारी, ना किसी के बाप की, तो इसी को लेके संविधान ने यह कहा है कि अगर आदिवासियों के इलाके में अगर कोई आपको कुछ करना है तो आदिवासियों की काउंसिल बनी हो। संविधान की जो छठी शेड्यूल है, उस छठी शेड्यूल के मुताबिक आदिवासियों के जल जंगल जमीन वो जब तक इजाजत नहीं देखते तब तक केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। अब मसला ये आया है, मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ी कीमती खनिज तो मिल गई, अब उसको माइनिंग करना है तो अधिकार की जरूरत है। अब अधिकार की जरूरत है तो ये आदिवासियों से अधिकार लेना होगा, और आदिवासी जो है वो जल जंगल जमीन पानी जो है उसके साथ उसका बड़ा लगाव है, प्यार है, उससे बाहर को जीता नहीं, आता नहीं और खाता है नहीं, पीता भी नहीं। ये तो अपने को परमिशन देंगे नहीं, ये तो इजाजत देंगे नहीं, और ये इजाजत नहीं देंगे इसलिए मणिपुर और आसाम के बीच में जो इलाका है वहां पर मैथी करके एक जो ट्राइब है, प्लेन की ट्राइब है, उनको आदिवासी का दर्जा देने की बात हुई और वहीं से ये झगड़ा शुरुआत हुआ, क्योंकि वहां पता चला कि अगर ये आदिवासी को हम लोग, इनको मैथी जो है अपने आप को हिंदू समाज का एक हिस्सा मानता है, उसको अगर आदिवासी का स्टेटस दे दिया, आरक्षण दे दिया शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में अगर आ गया तो जमीन खरीदना आसान हो जाएगा, क्योंकि आदिवासियों की जमीन आदिवासी खरीद सकता है, दूसरा और कोई खरीद नहीं सकता। और वहां से जो है फिर शुरुआत हुआ और उसी को लेके ये मामला है। और इसलिए मैं कहता हूं जैसे जैसे इनके इरादे, देश को बेचने के इरादे जैसे जैसे बाहर आएंगे, वैसे वैसे ये दंगा फैलाने की कोशिश और जोरों से करेंगे, लोगों का दिल और दिमाग हटाने की। मगर एनसीपी का जो वोट है वो शरद पवार के पास है या अजित पवार के पास है? शरद पवार के पास है। मैंने कहा वो जब तक जाते नहीं तब तक मैंने चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन गए उस दिन चिंता करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि जो हालात बदलते जा, जो हालात बदलते जा, उससे हम लोग ने जो है मुस्लिम समाज को वाकया करना बताना ये जरूरी और मुनासिब ऐसा मैं मान के चलता हूं, क्योंकि एक डर और खौफ उसके दिमाग में बैठा हुआ है और ये उम्मीद लेके बैठा हुआ है कि 2024 में एक नई सरकार आएगी जिससे ये डर और खौफ जो है वो निकल जाए। लेकिन जैसे कुछ बदलाव होता है, जैसे कुछ बदलाव होता है वापस उसके मन में एक आशंकाएं शुरुआत हो जाती है, अब क्या होगा। और वही मैं समझता हूं कि गुमराह करने की बात दूसरे जन करेंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए आने वाले दिनों में काफी राजनीति यहां पे बदलेगी,
मजबूर किया जाएगा लोगों को बदलने की राजनीति में। लेकिन जनता जब तय करती है बदलाव लाने का, तो वो परिस्थिति पे नहीं देखती है, वो बदलाव ही ला के रखती है। जब 2024 के बाद मोदी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, बीजेपी की सरकार आएगी नहीं आएगी ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे।